हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और बच्चे भी यहीं पे हैं, टुगू, गोलू, मनीषा। और अभी क्या हो रहा है ना, दिन ना बहुत बड़ा दिन करने लग गया है आजकल। और मतलब बच्चे भी अभी घर में रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लगता है कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा। और मतलब बच्चे तो घर में रहेंगे तो परेशान हो ही जाती हूँ कभी कभी। तो अभी डुगू का तो स्कूल खुला था, फिर से छुट्टी पड़ गया। इसका एक ही बार मतलब 11 से फिर से खुलेगा, इतना दिनों का छुट्टी पड़ गया है। और गोलू का तो छुट्टी ही है, उसका 5 तारीख से जाना है। मनीषा का अभी पता नहीं, अभी देखिए उसका अभी तो, अभी उसका एडमिशन वगैरह कराना पड़ेगा। और यहाँ पे मनीषा जो है बना रही है ड्राइंग, ये ड्राइंग बनाई है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए अच्छा लग रहा है। तो अभी डुगबू को जाना है ट्यूशन। और अभी ये और हम नहीं जाएंगे। क्यों? छुट्टी। आज छुट्टी नहीं है, आज जाना पड़ेगा जब वो चिल्ली सो। तो ऐसे ही अभी टाइम बीत रहा है। और अभी मैं ना जा रही हूँ जूस बनाने। बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ जूस बनाऊंगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही ना मैंने जो है एक जूसर मंगाया था। ये देखिए सुजाता का जूसर है, पर इसमें फ्रूट नहीं था ना, इसी वजह से मैं बनाई नहीं थी, जूस नहीं बनाई थी। तो अभी मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। इसमें मैं धो धा के साफ करके इसको रखी थी। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी जूस, यहाँ पे सभी लोग आ गए। और यहाँ पर ये भी है अंगूर, तो अंगूर का जूस बनाऊंगी और मौसमी का। तो यहाँ पे गोलू जो है कट कर रहा है, दो हम कर लेते हैं। और ये देखिए ये जो सुजाता का मिक्सर है ना, ये मैंने अमेजोन से मंगाया थोड़े दिन पहले ही। हाँ, कट गया। इसके रिव्यू वगैरह मैंने देखा था, अच्छा लगा, फिर मैंने ये वाला मंगाया। इसके साथ दो जार मुझे मिला है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। और ये जूसर और हम भी मिले एक के तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है अंगूर का जूस है, ये ऑरेंज का जूस है। तो अभी मैं दोनों गिलास में हल्का हल्का जो है नहीं नमक डाल देती हूँ। हम अंगूर का जूस पियेंगे। ठीक है, इसको चला रहे थे तो ज्यादा चलो। तो अभी जूस जो है तैयार है, अभी मैं पीने जा रही हूँ। सबसे पहले ऑरेंज वाला। कैसा लग रहा है तुम्हारा? ठीक है ठीक है। दिखाओ तो। और ये वाला तीखा लग रहा है ना? तो ये ना ऑरेंज का जूस है, पर ये ना थोड़ा सा तीता लग रहा है, क्योंकि शायद इसके दाने इसी में चले गए हैं और तीता लग रहा है इसमें। पहले ही डुगू पी के देखा था। तीता लग रहा है, पर पता नहीं कैसे तीता लग रहा है। मौसमी का जूस तो ऐसे बनता है कि सारे वेस्टेज जो है ये देखिए इधर निकला हुआ है इसमें। और ये अभी इसको निकाल के देखिए, ये खुल गया है, इसको अभी धोना है ये सारे। और इसको भी धोना है, इसके साथ धोने के लिए ना एक ब्रश भी मिला है, तो उसी से धोऊंगी अभी। तो ये देखिए ये जो है मशीन है, और इन सारे को धोना है। और ये जो वेस्टेज है ना, इसका एकदम सूखा सूखा निकला है, थोड़ा सा मतलब गीला है,
फिर भी पता नहीं, शायद इसके दाने पीस गए हैं ना, इसी वजह से तीता बना रहा है थोड़ा सा। तो ऑरेंज का जूस निकालने का तरीका शायद अलग होगा, तो मैंने दूसरे तरीके से निकाल दिया है, इसीलिए तीतापन आ रहा है। नहीं, वो जो वो होता है ना, हाँ, बीज उसका, वो भी ना, हाँ, वो थोड़ा तीता लगता है, इसे वो भी चल गया तीता के। और अभी मैं थोड़ा सा डला भी रहता है जूस। पहले गोलू भी पी के देखा, उसको भी तीता लगा, दुग्गू को भी तीता लगा, फिर मैं पी रही लास्ट में, क्योंकि फेंक नहीं सकते इसको, तो पीना तो पड़ेगा ही। तो ये है नेक्स्ट डे। तो अभी हम लोग आ गए थे घर, तो यहाँ पे घर आने से बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे अभी यहाँ फार्म की ना हम लोग जो है निपाई कर रहे थे। तो दो तीन दिन से सासू माँ थोड़ी थोड़ी जो है निपाई कर रहे थे, जब भी टाइम मिल रहा था तब भी पूरा फार्म का मतलब एक जने निपना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, तो मैं भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे नीप रही थी गोबर से। पहले मिट्टी से निपाई हुआ था, उसके बाद जो है दो तीन बार गोबर से निपाई हुआ। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, जितना नहीं निपाया था ना इतना तक जो है मैं और सासू माँ जो है अभी मिल के नीप दिए हैं, और धीरे धीरे करके दो दिन तीन दिन में ये जो है पूरा यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक सासू माँ जो है नीपी थी। तो आज मैं आई तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे नीपी हूँ। और बाहर ना बहुत तेज़ जो है बारिश आ रहा है, अभी आप देख सकते हो, तो बारिश का पानी ना सीधे इधर आ रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे ये गेट भी लग गया है, इसको मैं भी बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी जो है बहुत तेज़ धूप निकला था, और धूप में जो है ये जो लोहे का एंगल ये लगा हुआ है ना, ये चार एंगल से ये बना हुआ है, फिर भी थोड़ा सा छोटा पड़ गया। जहाँ टंकी रखाएगा ना, तो इसी के ऊपर टंकी रखाएगा, तो इसके एक बार पेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये ब्राउन कलर का पेंट किए, उसके बाद ये ग्रे कलर का पेंट किए, क्योंकि जो पानी अगर गिरेगा ना तो ख़राब ना हो ये एंगल, इसी वजह से ये पेंट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे ससुर जी पकड़े हुए हैं और ये ऊपर चक के जो है पेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे सारा काम मतलब धीरे धीरे ना, बहुत टाइम लग गया, करीब 3 महीने इस फार्म को बनने में लग गया धीरे धीरे। और मतलब अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी 15-20 दिन के करीब और लग जाएगा, मतलब जब तक ये मुर्गे के बच्चे आने में। तो अभी आप देख सकते हो धूप में इनके पसीने भी निकल रहे हैं और ये अभी काम में लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना किनारे किनारे इस तरीके के जाले ये लग गए हैं, यहाँ से वहाँ तक, पूरे वहाँ तक मतलब दोनों साइड। वहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वहाँ पे अभी काम कंप्लीट होगा ना, फिर वहाँ पे भी जो है इस तरीके का जाली लग जाएगा, और फिर ये हमारा ये फार्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें जो मुर्गी के बच्चे होते हैं ना वो आ जाएंगे, मतलब अभी टाइम लगेगा, जैसे कि हम लोग कंपनी के द्वारा करेंगे, कंपनी मतलब हम लोग को देंगे मुर्गी के बच्चे, दाने वगैरह सब कुछ देंगे, तो उसको बड़ा करके देना पड़ता है, देना पड़ेगा, और इस हिसाब से फिर वो पैसे देते हैं। मतलब अभी खुद से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुद से करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो भी ख़रीदना पड़ेगा, जो दाना वगैरह होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसी वजह से हम लोग कंपनी से ही अभी कर रहे हैं, और धीरे धीरे फिर पैसे वगैरह हो जाएगा ना, फिर हम लोग खुद से करेंगे। तो अभी ये खाना खाए हैं और ये भी लग रहे हैं काम पे। और मिस्त्री यहाँ पे जो पाइप सेटिंग होगा ना, पानी का पाइप, तो वो नहीं आए हैं, अभी आने वाले थे पर बारिश आने लग गया, तो शायद आज तो नहीं आएंगे। तो मिस्त्री अगर आते ना, पानी वाले प्लम्बर सब, तो प्लम्बर सब अगर आते ना, तो ये टंकी जो है ऊपर मतलब चढ़ाना था, पेंट हो गया है। और फिर पानी का ये डिब्बे वगैरह भी बहुत काम है, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, अभी 10-15 दिन करीब और लगेगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो बारिश जो है बहुत तेज़ हो गया है, और ये देखिए बारिश, और यहाँ तक आ रहा है, छींटा पड़ रहा है क्योंकि इधर का बारिश है। और इसमें ना सारे डिब्बे वगैरह हैं, सब कुछ है, तो ये सेट करना है। ये आप देख सकते हो कितने सारे डिब्बे आए हैं, बॉक्स, ये जाली है ये वाला ना, यहाँ पे लगेगा, अभी नहीं लगा है,
वहां से यहाँ तक। और यहाँ पे ये पटरा सब जो है काट रहे हैं, क्योंकि जहाँ टंकी रखाएगा ना उस पहले ये पटरा डाल देंगे, उसके ऊपर से टंकी रखेंगे ताकि मतलब टंकी जो है ख़राब ना हो। और अभी ये प्लम्बर सब भी आए थे, वो भी कुछ काम पाइप का बचा हुआ था, तो वो सारे काम जो है अभी ये सब मिलके कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था टंकी ऊपर चढ़ाने में, तो अभी आप देख सकते हो किस तरीके से ये चढ़ाया जा रहा है ये टंकी। और इसके ऊपर से ना और भी मतलब ये लोहे वगैरह बांस वगैरह डाल के ऊपर करेंगे, क्योंकि गर्मी का दिन में ना पानी जो है गर्म ना हो इसी वजह से, और इसको अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि हवा आए तो गिरे ना। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।